पंजाब में तो हम पहले दिन से ये सभी कांग्रेस वाले ये महसूस कर रहे थे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार यहाँ हर पक्ष हर तरह विफल रही थी और आर्थिक व्यवस्था पंजाब की बिगड़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, क्राइम बढ़ा था, यहाँ नशा बढ़ गया था, तो हर हालत में कांग्रेस ही जीतेगी। और वो जो कांग्रेस ने काम किया इतने वर्षों में यहाँ चंडीगढ़ के, हमारी चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस ने, तो उसका रिजल्ट है कि हम यहाँ एक अच्छी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जीत कांग्रेस की निश्चित तौर पे पंजाब में होगी। वो आज रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ये पहले भी यही माना जा रहा था हमेशा। आई मीन नॉट ओनली गोइंग बाय द ट्रेंड्स, वी ऑलवेज हेल्ड दैट ओपिनियन दैट दिस टाइम इट इज द कांग्रेस विच विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब बिकॉज द अकाली दल एंड द बीजेपी गवर्नमेंट हैड फेल्ड मिजरेबली ऑन एवरी फ्रंट इन पंजाब। दी पीपल 70 मोर देन 70% ऑफ द यूथ हैड टेकन टू ड्रग्स, दी जीडीपी हैड कम डाउन फ्रॉम 10 to 5, the industrial production growth had come down from 21 to 2, even the agriculture production growth had come down from 4% to minus 0.7%, 18,880 industrial units had closed down in Punjab during their government, lawlessness was there all around, so it was time for the Congress to come and rectify the situation. Congress will now take over and bring Punjab back on the rails to development and progress, prosperity.